हेलो फ्रेंड, मैं कविता वर्मा, एक बार फिर से आप लोगों का हमारे चैनल में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम लोग भी बहुत अच्छे हैं। तो यहाँ पे अभी गुलाब जामुन बनाने की तैयारी हो रही है, तो मैं यहाँ पे बना रही थी चीनी की चाशनी गुलाब जामुन के लिए, और हमारी ये छोटी देवरानी यहाँ पे गुलाब जामुन का डो तैयार कर रही थी। तो सब मिलकर, बस कोई खास बड़ी पार्टी नहीं है, बस घर के जितने लोग हैं बस सब मिलकर सेलिब्रेट करने वाले हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं फ्रिज में केक आ चुका है और केक रख दिए हैं यहाँ पे फ्रिज में, और यहाँ पे पनीर आया है। तो चलते हैं बस पनीर बनाने के लिए। और यहाँ पे बैलून फुलाया जा रहा है, तो सब लोग मिलकर बैलून फुला रहे हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं ज्ञान कितना खुश है। ज्ञान को तो बहुत मज़ा आता है ये सब में, वो भी मतलब शाम से ही बिजी था कि मुझे बहुत काम है माँ। वो तो कह रहा था मम्मी पापा का बर्थडे है, तो बस इसी में खुश था कि मम्मी पापा का बर्थडे है। तो सब लोग को बैलून फुलाते देख कर वो भी बार बार दौड़ के आ रहा था। तो बस खाना पीना नीचे बन गया था, और मतलब ज़्यादा कुछ खास नहीं, बस सिंपल से हम लोग बनाए थे। और यहाँ पे वाह, क्या कर रहा है ज्ञान, क्या कर रहा है ज्ञान, बाबा रे ज्ञान तैयारी कर रहा है, पूरा बिजी है ज्ञान। आओ ना मेरे पास। और ज्ञान को आप लोग अभी देखे होंगे, मतलब तैयारी करने के बाद आकर थोड़ा सा फेस भी आईना में देख लिया है, और बाल उल ठीक करके फिर गया है। बहुत तब पूरा फैशन करने लगा है ज्ञान में बार बार, मतलब काम करते करते जब भी उसको मन होता है आके आईना में देखता है, और उसके बाद अपना बाल फेस वगैरह ठीक देख कर कहता है मैं हीरो लग रहा हूँ, उसके बाद फिर तैयारी में चला जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारी देवरानी जो है डेकोरेट कर चुकी है, बैलून वगैरह सब लगा दिए हैं दोनों मिलकर। तो बस हो गया, बस कुछ देर बाद फिर हम लोग, क्योंकि घर के ही लोग हैं, ज़्यादा लोग मतलब बाहर से कुछ बुलाए नहीं हैं, क्योंकि सिंपल सा है, करते हैं बस घर पर ही हम लोग हर साल। मैं तो हर साल वीडियो डालती हूँ, तो बस सिंपल सा घर पे ही हर साल करती हूँ। तो बस सब लोगों की तैयारी हो गई है, सब लोग तैयार बस हो हीने वाले ही हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारी देवरानी जो है यहाँ पे खाना का सामान बस दिखा रही थी सबको, वीडियो कॉलिंग कर रही थी। तो वहाँ पे बनाए थे गुलाब जामुन जो शाम को ही हम लोग बना लिए थे, तो बहुत ही अच्छा गुलाब जामुन बना है। बस हम लोग घर पे ही बनाना अच्छा लगता है, क्योंकि मार्केट वाला मतलब उतना सही नहीं लगता है। तो बस हम लोग ज़्यादातर कोई भी फंक्शन हुआ तो गुलाब जामुन घर पर ही बना लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं ज्ञान एकदम रेडी हो गया है। ज्ञान को तो पहले रेडी होना है, सबसे पहले कोई भी फंक्शन हो घर का तो ज्ञान सबसे पहले रेडी होता है, तो उसे रेडी कर देते हैं तो पूरा बिजी रहता है ज्ञान। छोटी सी भी घर में कोई पार्टी हो, फंक्शन हो, उसे बहुत इंजॉय करता है ज्ञान। तो देख सकते हैं सब लोग बस रेडी हो ही गए हैं, तो बस चलते हैं केक कट करने के लिए। तो बस काम थोड़ा सा हो ही जाता है इधर उधर, ठंड का मौसम भी है, तो बस घर में ही जब हो रहा है पार्टी तो खैर कोई बात उतना नहीं है कि चलो जल्दी करना है, जल्दीबाजी है, बस घर की पार्टी है तो चलो रात भी हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो बस धीरे धीरे सब लोग कर रहे थे। तो यहाँ पे देख सकते हैं ठंड लग रही थी, तो वही मैं कालीन बिछा रही थी, तो यहाँ पे बिछा लेते हैं, क्योंकि बाबू लोग तो अब ज़्यादातर नीचे ही खेलता है, तो यहाँ पे बिछा देते हैं। तो देख सकते हैं बउआ आकर बैठ गया था सबसे पहले, उसे अच्छा लगा बस बैठ गया। तो यहाँ पे सब लोग बस रेडी हो गए हैं, हम भी रेडी हो चुके हैं, और यहाँ पे ज्ञान के पापा देख सकते हैं ये भी रेडी हो गए हैं। तो हम दोनों बस आज यही ड्रेस पहने हैं, और बस चलते हैं अब केक कट करने के लिए।
तो बस सब लोग इतना बिजी हो गए थे कि जल्दी जल्दी में कुछ ना कुछ छूट रहा था, तो बस कभी मतलब टीका भूल गए हैं तो कभी कुछ, मतलब यही सब में थोड़ा सा टाइम लग गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मम्मी भी इनका टीका लगा रही थी, मैं भी लगा दी थी। और बस मतलब घर में अगर ज़्यादा सारे लोग होते हैं ना तो फिर मतलब उसका मज़ा ही कुछ और होता है। वैसे तो हर साल अकेले मनाते ही थे, लेकिन मम्मी को बुला, मम्मी बगल में है तो मम्मी चली आती थी। सब लोग दूर से मतलब हर बार आना पॉसिबल नहीं है, तो इस बार था कि सब लोग साथ में थे पूरी फैमिली, तो बहुत मज़ा आया। और जब घर में बहुत सारे लोग हैं तो फिर बाहर वाले की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि घर पे ही हम लोग बहुत सारे लोग हो जाते हैं तो फिर घर पे आराम से मना लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये मुझे सिंदूर लगा रहे थे इस दिन, मतलब सब लोग लगाते हैं या नहीं, हम लोग बस शादी के सालगिरह के दिन फिर इनसे हम सिंदूर लगवाते हैं। तो बस मतलब वही नियम है जो मतलब स्टार्टिंग से हम लोग कर रहे हैं शादी के बाद से। फिर मतलब तीज हुआ, कोई भी व्रत अगर करते हैं तो उस दिन तीज होता है व्रत, सावित्री व्रत हुआ, करवा चौथ हुआ, तो उस दिन सिंदूर लगाते हैं। और उसके बाद फिर आज ये एनिवर्सरी के दिन भी सिंदूर लगाया जाता है। तो बस देख सकते हैं हम लोगों को मतलब अंगूठी पहनाने का, मतलब सब लोग जिद कर रहे थे कि चलिए अंगूठी पहनाइए, तो हर साल तो ये सब नहीं करते लेकिन सब लोग मतलब जिद करने लगे थे। इस बार भैया भाभी बस दोनों एक दूसरे को रिंग पहनाइए, तो बस वही पहना रहे थे सबकी खुशी के लिए। चलो अच्छा लगता है, अगर सबको इच्छा है तो चलो हम लोग भी कर लेते हैं। और वैसे तो हम लोगों का शादी में एंगेजमेंट नहीं हुआ था, तो चलिए ये होकर हम लोग का भी जो है एंगेजमेंट आज हो गया है। तो बस एंगेजमेंट होने के बाद फिर सब लोग केक कट कर रहे थे, और ज्ञान को देख सकते हैं कितना खुश है, वो भी मतलब मेरा हाथ पकड़ कर वो भी केक कट कर रहा था। तो बस बहुत खुश था, बस सब लोग हैप्पी, ज्ञान तो हैप्पी बर्थडे का विश कर रहा था। बहुत ही बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा। जब कहते हैं ना परिवार साथ में हो तो ऐसे भी खुशियाँ डबल हो जाती है, तो हम लोग बहुत आज बहुत खुश हैं, हम दोनों बहुत खुश थे क्योंकि इतने सारे परिवार के साथ ये मौका मिला है हम लोगों को ये सेलिब्रेट करने का, तो बहुत मज़ा आया हम लोगों को। तो बस केक कट चुका है तो बस सब लोगों को खिला देते हैं। खाना चाहिए, हम लोग खाएंगे, खाते हैं आपके।
ज्ञान को अभी केक से मन नहीं भरा है, तो देख सकते हैं वो बार बार मतलब घूम घूम के केक के पास आकर उंगली से देख सक किस तरीके से चट कर रहा है केक को। ज्ञान को केक बहुत पसंद है, तो बस छोड़ दिए उसे खाने के लिए, देखते हैं कितना खाता है। बहुत मज़ा आ रहा है उसे खाने में। तो बस अब हो गई है पार्टी ख़त्म, सब लोग केक खा लिए हैं और बस सब लोगों को बस अब खाना खिलाना है। तो बस यहाँ पे केक बचा हुआ था, तो हम लोग सब मिलकर बोले चलो बैठ के आराम से आधा केक खा लेते हैं, उसके बाद सब लोगों को मतलब ज्ञान के पापा ज़्यादा नहीं खाते, बस थोड़ा थोड़ा खा लिए, बोले अब नहीं खाना है। तो बस हम लोग मिलकर सब लोग बोले चलो खा के केक से ही आज पेट भर लेना है। तो बस सब लोग हम तीनों मिलकर खा रहे थे और ज्ञान भी यहाँ पर लगा हुआ था, दोनों बाबू। तो बस यहाँ पर देखते हैं कौन कितना केक खाता है, क्योंकि खाकर बस फिनिश ही करना है केक। बस थोड़ा सा ज्ञान के लिए रख देंगे, वो सवेरे ज़रूर मांगता है केक, कोई भी पार्टी हुआ तो सुबह उठकर उसे केक चाहिए ही। तो बस अभी खाते हैं, उसके बाद फिर रख देते हैं इस ज्ञान के लिए। तो सब लोग केक खा लिए और उसके बाद चलते हैं सब लोग गुलाब जामुन खाने के लिए। और फिर यहाँ पे पूरी तली जा रही थी, पनीर चिल्ली बनकर पहले रख दिए थे, तो अभी बस गरम गरम सब पूरी तल रहे हैं। तो फिर पार्टी हो गई है, तो बस सब लोग अब बस हल्का फुल्का खाना खा लेते हैं, उसके बाद फिर चलते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं पनीर चिल्ली बनाकर पहले ही रख दिए थे, इससे क्या होता है आराम मिलता है। चलो पूरी बस पार्टी हो गई, तो गरम गरम पूरी तल लूँ, उसके बाद सब लोग खा लेते हैं। तो बस सब लोग खाने के लिए बैठ गए हैं, ज्ञान के पापा और चाचू, बगल में रिसेप्शन पार्टी थी तो वो लोग यहाँ पे हल्का सा खा लिए, फिर पार्टी में चले गए हैं। तो बस हम लोग लेडीज़ लोग बैठ गए थे यहाँ पे खाने के लिए, तो बस देख सकते हैं बाबू लोग भी बैठ गया है खाने के लिए, तो सब लोगों को खिला लेते हैं बच्चे लोग को।
खाना खाकर चले गए थे सोने, और हम लोग यहाँ पे गिफ्ट ओपन कर रहे थे तो ये लोग बोल रहे थे कि गिफ्ट दिखाइए, तो बहुत ही अच्छा गिफ्ट है। दोनों का गिफ्ट मुझे बहुत अच्छा लगा। सबके सोने के बाद दोनों बोल रहे थे कि गिफ्ट को ओपन कीजिए, तो बस वही कर रहे थे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को हम करते हैं यहीं पे एंड। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब।